जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज यादव आपका एक बार फिर से ग्लोबल फिजिकल ट्रेनिंग में स्वागत करता हूँ। आज मैं बताऊँगा ग्रोइंग पेन होता क्या है और उसको ठीक कैसे करते हैं। मोस्टली ये ज़्यादातर रनर्स में ही होता है और जो एथलीट होते हैं उनको आता है। ग्रोइंग पेन हमारे बैक थाई के आगे की तरफ आता है, यानी इनर थाई में आता है, या बोलें कि जहाँ से हमारा पेट ख़त्म होता है तो और जहाँ से हमारी जांघ स्टार्ट होती है और उसके बीच में, मतलब हमारे इस वाले पोर्शन में हमारे को जो पेन आता है उसको ग्रोइंग पेन बोलते हैं। और ये मोस्टली अगर हम बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं इस पोर्शन से, जब हम मान लो स्प्रिंट मारते हैं या लॉन्ग जंप ज़्यादा कर लेते हैं, उसकी वजह से जो बॉडी का खिंचाव होता है वो इस जगह पे होता है और इसकी वजह से ग्रोइंग पेन आता है। ये हमारे स्प्लिट खोलने से या जिम में अगर हम थाई ज़्यादा मार रहे हैं उसकी वजह से हमारे को जो पेन आता है वो ग्रोइंग पेन होता है। अब हम जानेंगे इसको ठीक कैसे करते हैं, ठीक करने की कौन कौन सी एक्सरसाइज है और इसको इससे बचाव के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करें। तो आपने देखा ग्रोइंग पेन होता क्या है, अब मैं आपको बताऊंगा इससे शुरू में अगर आपके जैसे मान लो आज या कल में ही आपकी ग्रोइंग पेन आया है तो उसके बचाव के लिए क्या करें। सबसे पहले आप आइसिंग करें उस जगह पे जहाँ पे आपकी पेन है, इनर थाई मतलब राइट हैंड साइड वाली थाई पे या लेफ्ट हैंड साइड पे, जिधर भी है आप उधर के बाल ट्रिम करें और उसके बाद आइस बैग लें या फिर आइस से कपड़े में लपेट के अपने इनर थाई को उससे सीखें, मतलब उससे थोड़ा वार्म करें। उसको दिन में 2 से 3 बार करें और ये 48 घंटे में कम से कम 6 से 7 बार कर लें। जैसे अगर आपके आज पेन आ रहा है, कल हुआ था, आज पेन ज़्यादा बढ़ गया, तो आप उसको आज से स्टार्ट करें और कल शाम तक 7 से 8 बार कर लें। इससे आपका जो मसल है वो स्ट्रेच कम हो जाएगा, आपकी जो मसल की जो पावर है वो रिकवर हो जाएगी, मतलब आप जब आपकी जो टिश्यू टूटते हैं वो रिकवर जल्दी हो जाएंगे। अगर आपका उससे भी ठीक नहीं होता तो आप टैबलेट्स ले सकते हैं, नॉर्मल टैबलेट जो पेन किलर होते हैं, जैसे फ्लेक्शन एमआर सिप जॉक्स, या आप कोई भी एक नॉर्मल टैबलेट ले सकते हैं। और अगर उससे भी ठीक ना हो तो आप एक हफ्ते के लिए जो एक्सरसाइज मैं करके दिखा रहा हूँ वो एक्सरसाइज करिए, आपका उसमें 100% गारंटी है कि आपको पेन रिलीफ मिलेगा। और अगर आपका 1-2 हफ्ते के बाद भी रिलीफ ना मिले तो आप अपने नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट या अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं, जहां आपके इंजरी वगैरह जो मेनली देखते हैं उन्हीं को दिखाएं, नॉर्मल डॉक्टर को मत दिखाएं, वो आपको सिर्फ पेन किलर और यही दवाई देंगे। तो आप फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं, बाकी मैं आपको एक हफ्ते के लिए जो एक्सरसाइज हैं वो करके बताऊँगा, अगर उससे भी आराम नहीं मिले तब जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, हमें अपने जीने पे या एक अपने एक पैर को ऊपर रखना है, जैसे जीना है हमारा एक पैर ऊपर रहेगा एक पैर नीचे रहेगा। अभी मैं जीने में जाने में सूटेबल नहीं हूँ तो मैंने एक ईंट ले ली है। ईंट के ऊपर करना क्या है, हमें एक पैर रखना है और जोन से पैर में हमारा स्ट्रेच है, मान लो हमारे ये लेफ्ट हैंड साइड वाली थाई में स्ट्रेच है, तो हमें उस पैर को हल्का हल्का हिलाना है। हल्का हिलाने से क्या होगा, हमारा जो इधर का पेन है वो थोड़ा रिलैक्स मिलेगा और इसको हमें ज़बरदस्ती नहीं हिलाना, हल्का नॉर्मल बॉडी को स्ट्रेच करना है। इसको हम 3 से 4 बार करेंगे एक ही पैर से, जिस भी पैर में आपके पेन है, और इसको 3 सेट करनी है। सेकेंड एक्सरसाइज में हमें एक मैट लेना है और दीवार के सहारे लगा के लेट जाना है। अब आप बेड पे भी लेट सकते हैं या नॉर्मल मैट लेके आप छत पे या कहीं पे भी आप लेट सकते हैं, यहाँ पे सामने आपके दीवार हो। उसमें करना क्या है, आपको नॉर्मल लेटना है, पूरी बॉडी रिलैक्स छोड़नी है और जिस पैर में स्ट्रेच है वो वाला पैर उठाना है और दीवार को पूरा स्ट्रेच करना है। दीवार की तरफ आपको पैर को पुश करना है जिससे आपके इधर मतलब इनर थाई में और साइड वाली थाई ये पूरे हिस्से में प्रेशर आएगा और ये आपको यहाँ के स्ट्रेच के लिए नॉर्मल रहेगी। इस पैर को पूरा ऊपर स्ट्रेच करना है, आपकी जो थाई है उस थाई पे कट बनने चाहिए, मतलब आपके प्रेशर आना चाहिए और हमें एंकल से पूरा जोर देते हुए उसको स्ट्रेच करना है 10 सेकंड के लिए। उसके बाद नॉर्मल 10 सेकंड, फिर उठाना है, फिर स्ट्रेच करना है और फिर नॉर्मल, फिर स्ट्रेच। ऐसे करके आपको 3 सेट करने हैं। मतलब तीसरी एक्सरसाइज में थर्ड एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हमें एक किलो लेना है यानी तकिया लेना है, इसको फोल्ड करके अपने पैरों के बीच में लगाना है और प्रेस करना है। मैं करके दिखाता हूँ, लेट के ही करना है ये भी एक्सरसाइज। इसको फोल्ड कर लेना है और पैरों के बीच में लगाना है, इसका प्रेशर हमारे थाई पे इनर थाई पे आना चाहिए और लेट जाएंगे पूरा पैरों को फोल्ड करेंगे रखेंगे आराम से और अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, वापस नॉर्मल, फिर स्ट्रेच थाई, मतलब थाई हमारी पूरी प्रेशर में होनी चाहिए और हम ट्राई करेंगे घुटने अपने आपस में जो पहले हुई है अंदर स्ट्रेच करना है पूरा
हमारी थाई की जो काम मसल है वो ऊपर के ऊपर की तरफ खींचनी चाहिए, नॉर्मल स्ट्रेच, नॉर्मल स्ट्रेच। इसे हमें 20 से 30 सेकंड करना है और उसके बाद नॉर्मल रखना है। ये हमें 3 से 4 सेट करने हैं डेली, हफ्ते में मतलब 7 दिन में आप 3-4 दिन ये एक्सरसाइज जरूर करनी है। फोर्थ एक्सरसाइज में हमें सेम जैसे घुटने में किया था, इस बार हमें एंकल की तरफ तकिया रखना है और अंदर की तरफ स्ट्रेच करना है। ये तकिया हमने फोल्ड किया, हमने एंकल की तरफ तकिया रखा, एंकल के जोर से हमारी थाई पूरी खींचनी चाहिए। और ये हम नॉर्मल लेट गए, अभी हमारे पैर नॉर्मल है, इसको अंदर की तरफ स्ट्रेच करना है, फिर ट्राई करना है हमारे घुटने जॉइंट हो जाए, थोड़े घुटने अंदर की तरफ सटाने हैं, इससे हमारा पूरा स्ट्रेच इस पैर से यहाँ तक आएगा। फिर उसके बाद नॉर्मल, फिर स्ट्रेच, ये हमारा था, ये आप देख रहे होंगे कितनी स्ट्रेच हो रही है, इसी को नॉर्मल रखना है और स्ट्रेच करना है। ये हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है, इसको भी आपको बीच में करने हैं जब तक आपके पेन नहीं ज़्यादा, और इसमें थोड़ा ही रहेगा आपकी कमर के बीच में गैप रहेगा और हल्का फुल्का कमर में गैप आ सकता है, क्योंकि आपके जो प्रेशर है वो हाई पे रहेगा तो हमारी ऊपर की बॉडी स्ट्रेच होगी। ये हमें थोड़ी 20 से 30 सेकंड ये भी करनी है, बस नॉर्मल। फिफ्थ एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, हमें तकिया रखना है अपने घुटने के नीचे और हमारा जो पैर है जोन सा हमारा स्ट्रेच हो रहा था जिसमें हमारे में इंजरी है, उस पैर को खड़ा रखना है। करना है ये है, पैर आगे की तरफ जाएगा और पूरा स्ट्रेच होगा यहाँ से, ये है जहाँ भी जब स्ट्रेच ज़्यादा होने लगे आपको होल्ड करना है 20 से 30 सेकंड। ऐसे हमें ऊपर की बॉडी ट्राई करना सीधी रखने की, अगर आपके पास सपोर्ट है दीवार का तो आप इस घुटने को आगे बढ़ा के सेम यही एक्सरसाइज ऐसे कर सकते हैं। ऐसे में आपको बॉडी आगे की तरफ पुश करनी है जिससे आपका यहाँ से पूरा ये स्ट्रेच होते आएगा और आपकी पूरी स्ट्रेच होगा। यही एक्सरसाइज आपको 20 से 30 सेकंड करनी है, ये आपकी 5वीं एक्सरसाइज है। और अगर आपके दोनों में पेन है तो आप दोनों पैर से कर सकते हैं। सिक्स्थ एक्सरसाइज में करना क्या है, पैर ही रखना है और सेम यही चीज़ घुटना आपको इसी पर रखना है, इस वाले पैर को आगे तरफ स्ट्रेच करना है। इसमें ये भी रहेगा कि आपका यहाँ से स्ट्रेच होगा और ये पूरे दोनों पैर से स्ट्रेच होगा। इस एक्सरसाइज को नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है पूरा ये, और इसको आप दोनों पैर से कर सकते हैं ये। इसमें भी आपको 20 से 30 सेकंड होल्ड करना है और नॉर्मल रखना है। उसके बाद आपको सातवीं एक्सरसाइज में करना क्या है, आपको खड़े होना है। अगर आपके पास ऐसी जगह है जो आपके कमर के बराबर हो, ये हो या आपसे मतलब थोड़ी सी छोटी हो कमर है, लेकिन अगर कमर के बराबर रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें आपको अपना पैर उठाना है, इस चीज़ पे रखना है ऐसे से, और नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है जिससे आपका ये वाला पोर्शन पूरा स्ट्रेच हो और साथ में आपका ये भी स्ट्रेच हो। इसमें क्या करना है, नीचे जाना है ये और फोल्ड करना है नीचे, चाहे आप अपना एंकल पकड़ सकते हैं, घुटना और पंजे पकड़ सकते हैं और सर में लगा सकते हैं, इससे आपका पीछे का भी स्ट्रेच आएगा और आगे का भी स्ट्रेच आएगा। यही एक्सरसाइज आपको दोनों पैर से करनी है। ये भी आपको 20 से 30 सेकंड करनी है, उसके बाद आपने ये फोल्ड करके जब अब यही चीज़ आपको सीधे रख के करनी है, पैर ऊपर रखना है और पैर को इतना एल के शेप में बनाना है जिससे आपका ये खींचेगा, ये दोनों चीज़ खींचेगी। और नीचे जाके सेम एक्सरसाइज आप पहले इसमें लंजिंग भी कर सकते हैं और स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, मतलब होल्ड भी कर सकते हैं। तो एक बार आप ऊपर करेंगे मतलब 10 बार और 10 बार नीचे, इससे आपका ये पूरा ये स्ट्रेच होगा, ऐसे में आप स्ट्रेच कर सकते हैं। और उसके बाद यही चीज़ आपको एंकल पकड़ के फिर पंजे पकड़ के होल्ड कर सकते हैं, यही चीज़ आप नीचे भी कर सकते हैं। इससे लंजिंग करना है ये चीज़, यही चीज़ आपको एंकल पकड़ना है, होल्ड करना है और एंकल पंजे पकड़ के नॉर्मल होल्ड करना है। यही चीज़ आपको फेस चेंज करके करना है, ये भी आपको 2 से 3 सेकंड करने हैं, 10-10 सेकंड के गैप में, ठीक है। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें करना क्या है, आपको लेट जाना है और नॉर्मल में ये है कि आपका जो पैर है वो पीछे की तरफ स्ट्रेच होगा, इससे आपकी ये बाहर वाली थाई स्ट्रेच होगी, बाहर वाली थाई यहाँ से स्ट्रेच होगी पूरी, जिससे ये पास में रखेंगे और पैर को बाहर की तरफ खोल के, इसमें आपको हल्का हल्का नीचे जाना है, नॉर्मल में लेट जाना है। तकिए को आप तो सर के नीचे रख सकते हैं वरना आप हटा के नॉर्मल रख सकते हैं। इस थाई को ट्राई करें कि जमीन पर लगाने की कोशिश करें और जितना जमीन पर लगेगा उतना ज़्यादा स्ट्रेच होगा, ज़्यादा जोर ना दें वरना आपकी ये बाहर वाली थाई में थोड़ा स्ट्रेन आ सकता है, तो जितना जा सकता है उतना करें,
और इस चीज़ को आपको 15 से 20 सेकंड ज़्यादा देर नहीं होल्ड करना, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपकी थाई पर एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा पेन आएगा। यही चीज़ आपको दोनों पैर से करनी है नॉर्मल में, ऐसे नहीं, नॉर्मल होके आपको करना है इस पैर को ऐसे रखना है, ट्राई करना है कि ये जमीन पर लगे और हल्का हल्का यहाँ पर पुश देना है, इससे आपका ज़्यादा पेन भी ना हो और नॉर्मल में ये रहे। तो आप इनर भी स्ट्रेच हुआ और आउटर भी स्ट्रेच हुआ, आउटर वो पहले वाली एक्सरसाइज के लिए और इनर अंदर वाली एक्सरसाइज के लिए, ये दोनों ऐसे करना है नॉर्मल। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें बटरफ्लाई करनी है। बटरफ्लाई कैसे करनी है, हमें पैर पास में रखने और जिसमें ट्राई करना है कि जितना पास ला सकें, अगर आपके ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है तो आप नॉर्मल रखें पैर को और नॉर्मल शेक करें इस चीज़ को, इससे आपके शेक होंगे तो आपके जो टिश्यू हैं वो ब्रेक होंगे और ब्रेक होंगे उतनी जल्दी आपको बनेंगे। अगर आपकी इकट्ठा रहेगा खून तो वो पेन करेगा, तो इसीलिए आपको टिश्यू भी ब्रेक करने होंगे और जितनी जल्दी टिश्यू ब्रेक होंगे उतनी जल्दी आपका खून बढ़ेगा, मतलब बहाव होगा तो उससे पेन कम होगा। इसमें ऐसे स्ट्रेच करना है, अपनी कमर को सीधी रखनी है और उसके बाद आप हाथ से स्ट्रेच कर सकते हो ये नीचे की तरफ। और इसमें तीसरी एक्सरसाइज ये है कि आप अपने सर को अपने जूतों में या शूज़ में टच करा के होल्ड कर सकते हो यहाँ पर 20 से 30 सेकंड। ये करने के बाद आपको नॉर्मल पीछे की तरफ बैठ जाना है, मतलब पंजे की तरफ, पंजे से बैठ जाना है और बाहर की तरफ स्ट्रेच कराना है। तो यहाँ पर होल्ड करना है, यहाँ पर अपने ये थाई को बाहर की तरफ, नी को बाहर की तरफ स्ट्रेच करो जिससे कि ये आपका ये वाला पोर्शन स्ट्रेच हो। इसको भी आपको 20 से 30 सेकंड होल्ड करना है नॉर्मल। उसके बाद आपको करना क्या है कि इस पंजे में ऐसे बैठ जाना है, आप पंजों को पीछे की तरफ नॉर्मल जैसे एंकल पे बैठना है, एंकल के जो आपकी हील है उस पे बैठना है और बॉडी को आगे स्ट्रेच करते हुए पैर को खोलना है। पैर को जैसे मैंने खोल रखे हैं सेम, इसको पूरा हाथ स्ट्रेच करना है और नॉर्मल ये भी 20 से 30 सेकंड होल्ड करना है नॉर्मल। इस एक्सरसाइज को भी आपको हफ्ते में 2 से 3 बार करना है नॉर्मल। ओके, एक्सरसाइज में खड़े होके अपने पैर को स्ट्रेच करना है और पैर खोलने हैं, एक पैर फोल्ड करना है, दूसरा पैर स्ट्रेच ये फोल्ड रहेगा, दूसरा पैर स्ट्रेच रहेगा, हमारी बॉडी इस तरफ बेंड होगी जिस तरफ हमारा जो पैर फोल्ड है उस तरफ जाएगी बॉडी, इससे हमारे इस वाले थाई पे पेन आएगा, क्योंकि हमारा अगर राइट लेग स्ट्रेच है तो हमें राइट लेग पे करना है और लेफ्ट लेग स्ट्रेच है अगर लेफ्ट लेग में पेन है तो लेफ्ट लेग पे स्ट्रेच करना है। ये भी हमें 20 से 30 सेकंड करना है, उसके बाद हमें लेग चेंज कर दें नॉर्मल। ट्राई करें आपका ये वाला पैर सीधा रहे जिससे आपके इस वाली पोर्शन पर ज़्यादा स्ट्रेच कर लें। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी लेट के है, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, तो इसको आप घर पे जब मर्जी कर सकते हो, जब आप लेटे हो तब कर सकते हो। इसमें करना क्या है, आपको एक नॉर्मल जगह पे लेट जाना है और सिर्फ आपको अपने पैर स्ट्रेच करने हैं ऐसे आराम आराम, जिससे जितना स्ट्रेच हो उतना करना है। यहाँ पे आपके प्रेशर आना चाहिए हल्का फुल्का, इसको आप शेक करके कर सकते हो वरना आप नॉर्मल स्ट्रेच कर सकते हो। और पैर को ट्राई करो कि आप थोड़ा सा आगे रखो, अगर आप ऐसे करने में सूटेबल हो तो ठीक है, वरना आप इसको लेट के एक सिंगल पैर से भी स्ट्रेच कर सकते हो और सेम यही चीज़ आप दूसरे पैर से भी कर सकते हो फिलहाल, या आराम से कभी भी कहीं भी कर सकते हो जब भी आप लेटे हो फिलहाल, इससे आपकी बॉडी में पूरा स्ट्रेच आएगा। और ये इसके बाद अगर आप कर सकते हो तो एक एक्सरसाइज और है जिसमें आप नॉर्मल एक्सरसाइज लेते हो, आपको अपना ये पैर नीचे रखना है, ये पैर ऊपर उठाना है, ये सब इस पैर को ऊपर उठा के फोल्ड करना है। इस चीज़ में आपको यहाँ पर पूरा प्रेशर फील होगा, ये लास्ट एक्सरसाइज है और ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। इस चीज़ को ऊपर उठा के रखना है, होल्ड करना है और उठाने के समय आपके इन ये आउटर थाई पे पूरा प्रेशर लगाना है जिससे आपके इनर थाई पे जोर आए। यही एक्सरसाइज आपको 10-10 सेकंड होल्ड करके 3 एक्सरसाइज करनी है और यही चीज़ आपको दूसरे पैर से भी करनी है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है ये सारी एक्सरसाइज आपके ग्रोइन पेन के लिए बहुत लाभदायक है, मतलब बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज है। अगर आप ये करते हैं एक हफ्ते तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपकी जो पेन है उसमें रिलीफ मिलेगा, बहुत हद तक आपका रिलीफ पेन कम हो जाएगा।
अगर इसके बाद भी आपका पेन नहीं कम होता तो आप फिजियोथेरेपिस्ट पे जा सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। वैसे अगर आप जाना चाहें तो एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी वीडियो के लिए धन्यवाद और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू सो मच।